Hello everyone and welcome back to Skillverse. I am Navya and I'm back with another very important video today. The topic for today's video is top personality related interview questions. अब एक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है पहली चीज आपके एकेडमिक्स एंड जो नेक्स्ट है वो ये कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स लाइफ. सो इंटरव्यूज जो है वो आपको जानबूझ के कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, सो दैट दे कम टू नो कि आप कैसे इंसान हो और आपका माइंडसेट कैसा है. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको जरूर प्रिपेयर करके जाने चाहिए सो दैट उस टाइम पर आप ब्लैंक ना हो. So let's begin. The first one is, how good are you in adapting to new environment? अब ये क्वेश्चन वो ऑब्वियसली इसलिए पूछते हैं बिकॉज जब आप उनकी कंपनी ज्वाइन करोगे आप नए हो गए वहां पे एंड इफ एट ऑल देयर इज अ पर्सन जिसको अडैप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है नए इन्वायरमेंट में एंड आप इतनी जल्दी लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते या अगर आप किसी नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो आप वहां पे जो चलता आ रहा है जो रूटीन है वहां का आप उसे अडैप्ट नहीं कर पा रहे देन दे विल ऑब्वियसली हैव अ डाउट कि आप उस कंपनी में भी बहुत जल्दी अडैप्ट नहीं कर पाओगे एंड आपको शायद कुछ टाइम लगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो. सो विल दे विल डेफिनेटली वुड लाइक टू नो कि आपको टाइम कितना लगता है एंड आप कैसे अडैप्ट करते हो. दे माइट ऑल्सो आस्क यू क्रॉस क्वेश्चन में कि ऐसी क्या चीज है आप जो आप करते हो जिससे आपको लगता है कि आपको आसानी होती है अडैप्ट करने में. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए बिकॉज ये मेन क्वेश्चन है जो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछा जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट मेड यू लर्न अ लॉट. अब इस सिचुएशन में आप खुद भी समझ रहे हो ये क्वेश्चन पूछते ही इंटरव्यूअर को क्या पता चलेगा. द पर्सन द इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली गेट टू नो हाउ योर पर्सपेक्टिव इज अबाउट लाइफ, व्हाट एटीट्यूड डू यू हैव. कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से there are two things, either you can stress about it or you can do something and learn from it. या तो आप stress कर रहे होगे बहुत ज्यादा या आप उस stressful situation से भी कुछ सीखोगे. So they want to know कि ऐसी कौन सी stressful situation थी and वो actual में कितनी ज्यादा you know stressful थी और आप उसमें से कितना अच्छा learn कर सकते थे. आप जब उन्हें ये बताओगे कि maybe आपकी life में जो भी कभी एक stressful या कोई problematic situation रही हो and आपने उसमें से क्या सीखा, that learning for them is very important. Because obviously, even if you join their company, कभी ना कभी problems आनी ही हैं. So they want to know कि आपका कैसा attitude है towards stressful situations. Let's move on to the next question. The next question is, what is your biggest weakness according to you? Now, it is very important for any person to know that what are they weak at. Because obviously we all are human beings, we are never perfect, हम कभी भी perfect नहीं हो सकते and हर एक इंसान में every person has some or the other weaknesses. So the interviewer, most of the interviews में ये question पूछा ही जाता है कि आपकी weakness क्या है. So आपको यहाँ पर अपनी weakness बतानी है and honestly बतानी है. Because बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो ना कोई स्ट्रेंथ को बड़ी स्मार्टली मोल्ड करके ना वीकनेस की तरह बताने का ट्राई करते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि आई एम टू परफेक्ट एंड आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट एंड आई फील दैट इज माय वीकनेस. आप ऑनेस्टली बताओ इज दैट अ वीकनेस, दैट इज नॉट एंड द इंटरव्यूअर्स ऑल्सो नो दैट. तो ये आप इस तरीके से स्मार्ट प्ले करके ये सब आंसर्स मत देना बिकॉज इंटरव्यूअर्स जो हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं इंटरव्यूज लेने में एंड उनको बिल्कुल फटाफट पता चल जाता है उसी टाइम कि आप ये इस तरीके से कुछ फ्रेम आउट कर रहे हो. सो बी ऑनेस्ट विद योर वीकनेसेस बट एट द सेम टाइम आप अपनी कुछ वीकनेस ऐसी बताना विच यू थिंक यू कैन ओवरकम. अगर आप उन्हें कुछ ऐसी वीकनेस अपनी बताओगे कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उठ के सामान फेंकने लगता हूँ, ये लगती हूँ एंड चीज़ें तोड़ने लगती हूँ सो दैट वॉन्ट बी अ वेरी गुड साइन. ऑफकोर्स आई वॉन्ट से कि आप उस पर काम मत करो, आप जरूर काम करो, ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर बट एट द सेम टाइम इफ यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू आप अपना कोई ऐसी वीकनेस उन्हें कोई बताइए जो आपको लगता है आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे किसी लेट्स से आप पर्टिकुलरली किसी मार्केटिंग की जॉब के लिए जा रहे हो एंड आप आपकी वीकनेस पूछते हैं तो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि I feel that मैंने डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ एंड मुझे लगता है कि मुझे इसमें और करना चाहिए बिकॉज ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है. सो दैट इज़ योर वीकनेस ऑल राइट बट एट द सेम टाइम यू कैन ओवरकम इट क्योंकि वो एक टेक्निकल चीज़ है ना, आप सीख जाओगे तो यू विल ओवरकम इट. तो आप कुछ
कुछ भी ऐसी वीकनेस आप बोल सकते हो जो आप ओवरकम कर सको. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट सेज इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी व्हाट वुड इट बी. नाउ दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज वेरी ट्रिकी एंड आपको प्रॉब्लम में शायद लैंड अप करा सकता है. इस क्वेश्चन से वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आप क्या चेंज करना चाहोगे. उनको ये पता लग सकता है दैट हाउ वेल आर यू यू नो अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. आप कितना अपने आप को अप्रिशिएट करते हो एंड ऐसी कौन सी चीज है आपकी पर्सनैलिटी में जो आप बोलना चाहोगे कि वो चेंज हो जाए. अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत स्मार्टली करना है, बिकॉज अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी के काफी अगेंस्ट है, दैट इज अगेंस्ट योर वेरी सेल्फ, तो वो एक नेगेटिव रिमार्क दिया जाएगा आपको. उसके बजाय आप कुछ ऐसी चीज बोलो जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं हो. एंड ऑल टुगेदर आपको इस क्वेश्चन में ये भी दिखाना है दैट यू रिस्पेक्ट एंड यू लव योरसेल्फ द वे यू आर विदाउट हाइपिंग अबाउट इट. एक बहुत नॉर्मल वे में आपको ये चीज पुट फॉरवर्ड करनी है, बट एट द सेम टाइम आपको उन्हें कोई ऐसी भी एक चीज बतानी है जो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बदलना चाहते हो. सो फ्रेंड्स, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर गलती से आपसे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन वो पूछने लगे तो इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. हम ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डालते रहते हैं विच कैन रियली हेल्प यू. सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.